हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जानकारी वाली वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 12815 नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि पुरी जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम इसी ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ट्रेन का रूट, स्टॉप, कोच, किराया, टाइम टेबल, लोकोमोटिव सब कुछ आपको बताएंगे, खान पान सारी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन ओडिशा राज्य के पुरी जंक्शन से भारत की राजधानी नई दिल्ली के बीच में चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलती है। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ये ट्रेन पुरी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होती है। दोस्तों, पुरी से आनंद विहार टर्मिनल तक के 1788 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 28 घंटे 10 मिनट में तय करती है। इस दौरान ये ट्रेन 26 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। दोस्तों, पुरी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली ये एक सबसे तेज़ गति की ट्रेन है, जो कि ओडिशा राज्य को भारत की राजधानी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है और ये बाकी सभी ट्रेनों से ज़्यादा जल्दी आपको आनंद विहार टर्मिनल पहुँचा देती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड की बात करें तो वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की दी गई है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह से छिपियाना बुजुर्ग स्टेशन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहती है। दोस्तों, ये एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे डिवीज़न ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों की सुविधा मिल जाती है। केटरिंग से संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें। दोस्तों, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार मिल जाता है और ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की भी सुविधा आपको इस ट्रेन में मिल जाती है। आइए बात करते हैं ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेकेंड सीटिंग का 3 कोच, स्लीपर क्लास का 12 कोच, थर्ड AC का 4 कोच, सेकेंड AC का 1 कोच। दोस्तों, इस ट्रेन में फर्स्ट AC का कोच नहीं रहता। लोकोमोटिव की बात करते हैं तो इस ट्रेन में दोस्तों पुरी से आनंद विहार टर्मिनल तक पूरी यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-7 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। आइए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन के किराए के बारे में। दोस्तों, जो किराया मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंडियन रेलवे द्वारा अपडेट किया गया किराया है और ये किराया पुरी से आनंद विहार टर्मिनल तक का पूरा किराया होने वाला है। सेकेंड सीटिंग की बात करते हैं, इसका बेस फेयर रहता है 415 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये। इन सबको ऐड करके सेकेंड सीटिंग का टोटल किराया हो जाता है 445 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस फेयर रहता है 680 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये। इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 730 रुपये। थर्ड AC की बात करते हैं, इसका बेस फेयर रहता है 1734 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये और GST 91 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1910 रुपये। फर्स्ट AC की बात करते हैं, इसका बेस फेयर रहता है 2524 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये और GST 131 रुपये। इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया हो जाता है 2750 रुपये। दोस्तों, ये किराया जो मैंने आपको बताया है ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। आप चाहें तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं जब आपको यात्रा करनी हो, क्योंकि इंडियन रेलवे अपने किराए में लगातार बदलाव करता रहता है। आइए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेन पुरी जंक्शन से रवाना होने के कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ही इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 11:00 बजे का। ट्रेन का पहला स्टॉप है खुर्दा रोड जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन 11:45 पहुँचती है और 11:50 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है भुवनेश्वर स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन 12:15 पहुँचती है और 12:20 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है कटक जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन 12:50 पहुँचती है और 12:55 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है जयपुर खुंजार रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन 1:50 पहुँचती है और 1:52 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है।
पांचवा स्टॉप है भद्रक रेलवे स्टेशन। यहाँ ट्रेन दोपहर के 2:43 पहुँचती है और 2:45 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। छठवां स्टॉप है बालासोर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3:32 पहुँचती है और 3:37 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सातवां स्टॉप है जालेश्वर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:14 पर पहुँचती है और 4:15 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। आठवां स्टॉप है हिजली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 5:15 पर पहुँचती है और 5:20 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:21 पहुँचती है और 6:23 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दसवां स्टॉप है बिष्णुपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:12 पर पहुँचती है और 7:14 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ग्यारहवां स्टॉप है बांकुरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:40 पहुँचती है और 7:45 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बारहवां स्टॉप है अदरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 8:35 पहुँचती है और 8:40 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तेरहवां स्टॉप है भागा जंक्शन भागा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन रात के 9:38 पहुँचती है और 9:40 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चौदहवां स्टॉप है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो। यहाँ पर ट्रेन रात के 11:05 पहुँचती है और 11:10 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पंद्रहवां स्टॉप है परसनाथ स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन रात के 11:24 पहुँचती है और 11:26 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सोलहवां स्टॉप है कोडरमा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:11 पहुँचती है और 12:13 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सत्रहवां स्टॉप है गया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 1:47 पहुँचती है और 1:52 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। अठारहवां स्टॉप है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन रात के 2:53 पहुँचती है और 2:55 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 19वां स्टॉप है सासाराम जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 3:06 पहुँचती है और 3:08 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 20वां स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:25 पहुँचती है और 4:35 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 21वां स्टॉप है मिर्जापुर स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 5:30 पहुँचती है और 5:32 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 22वां स्टॉप है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:45 पहुँचती है और 6:50 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 23वां स्टॉप है फतेहपुर स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 7:56 पहुँचती है और 7:58 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 24वां स्टॉप है कानपुर सेंट्रल। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9:15 पहुँचती है और 9:20 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 25वां स्टॉप है अलीगढ़ जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 12:58 पहुँचती है और 1 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 26वां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली। यहाँ पर ट्रेन आपको दोपहर के 3:10 पर पहुँचा देती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।